रुपया मांगते हैं। फैजाबाद से हो तो वहाँ 90 लगी है। अरे हटाओ पीछे, सिटी के अंदर गाड़ी नहीं जा रही, तो कम से कम बाहर से जाने दो। कानपुर पुलिस वाले, इनका क्या होगा था पुलिस लेने का भाई? कुछ क्या, जगह जगह लखनऊ में जगह जगह ट्रैफिक वाले मॉनिटरी होती है, एक सेकंड पर अगर कम चेक कम होता है तो बोलते हैं 1,000 रुपए दो, फिर उसको फोन करता है फिर 2,000 रुपए दो, फिर बोलता है 30,000 का चालान होगा, तेरा लाइसेंस भी चालान होगा, फिर गाड़ी मालिक भी नहीं करता है। लेकिन गरीब के लिए, गरीब को रोड पे आने के लिए मजबूर ऐसी सरकार क्यों कर रही है? गरीब इंसान 7 लाख रुपए कहाँ पाएगा? तो बीजेपी सरकार से गुजारिश है कि जो ये कानून लेके आए हैं इसको वापस करें। 10 साल की सजा ड्राइवर नहीं काट पाएगा, ना 7 लाख रुपए दे पाएगा। 7 साल का 7,000 की सैलरी ड्राइवरों की है, 7,000 की सैलरी में 7 लाख रुपए कहाँ से देगा ड्राइवर आदमी? ड्राइवर है जो ड्राइवर है 7,000 की तनख्वाह में बीवी बच्चे पूरा परिवार छोड़ के वो जाता है दूर। ड्राइवरों के लिए नियम कर दिया कि दूसरे का एक्सीडेंट हो 7 लाख रुपए जुर्माना, लेकिन अदरवाइज पहले ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार भाई, पहले उसके लिए नियम कानून, अगर नियम कानून आ गया उन्होंने, अगर मोदी ने कह दिया रात में 12 बजे नोटबंदी हुई उसके बाद बंदी हो गई ना, आप कहीं 500 की नोट या 2,000 की नोट लेके गए, उन्होंने क्या कहा नोटबंदी हो गई, उन्होंने ऐलान कर दिया तो हो गया है। अब हम चाहे लाख कोशिश कर ले, जब तक ये हमारी मांगे वहां नहीं पहुंचेंगी, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते तक आप लोग इसी तरह कर, बस हम लोग हड़ताल सर जी, हमारा हड़ताल ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 7,000 रुपए की तनख्वाह में बीवी बच्चे किराया सब कुछ देना पड़ता है और परिवार से दूर, अगर 7 लाख रुपए हम लोग जुर्माना दे, 7 लाख रुपए में हम लोग बिजनेस करके डाल दे तो हमारे बीवी बच्चे आराम से खाएंगे। क्या कहना बताइए सर? मैं ये कहना हूँ, मैं सरकार की सारी ड्राइवर होकर सारी मदद करता हूँ, अगर पुलिस की जरूरत पड़ती है हमारी गाड़ी होगी हम गाड़ी देते हैं, सीआरपी की जरूरत पड़ती है सीआरपी में गाड़ी देते हैं, ATO गाड़ी जरूरत पे ATO मेरी गाड़ी ले जाता है, नोटिस कर भेजता है, उसका पैसा भी नहीं मिलता। हम 8-8 दिन हमें कोई पुलिस वाला खाना नहीं देता है, बोलता है यहाँ से इलेक्शन के बक्से वहाँ ले चलो, वहाँ के बक्से वहाँ ले चलो, यहाँ दंगा होगा CRP ले चलो, यहाँ तक कारगिल तक हमने का गाड़ी मेरी होल्ड हुई है कारगिल तक जाने के लिए, कोई पैसा नहीं मिला है। उसके बाद जगह जगह लखनऊ में जगह जगह ट्रैफिक वाले नो एंट्री होती है, एक सेकंड पर अगर चेक कम होता है तो बोलते हैं 1,000 रुपए दो, फिर उसको फोन करता है फिर 2,000 रुपए दो, फिर बोलता है 30,000 का चालान होगा, तेरा लाइसेंस पे चालान होगा, फिर गाड़ी मालिक भी नहीं करता है, फिर हमको धमकाता है तुम्हारे ड्राइवर पे चालान करेंगे। तो मैं मजबूर हो के साहब जो पैसा होता है वो देता हूँ, मालिक के पास आता हूँ, मालिक बोलता है तुमने क्यों गाड़ी गुजर दी, तो मैं क्या करूँ? पार्टी वाला बोलता है कि मेरा माल नहीं पहुँचाओगे तो मेरा किराया काट लेंगे, मैं नींद में गाड़ी चलाता हूँ दिन रात करके माल पहुँचाता हूँ कि पार्टी का माल पहुँचे। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना, अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि 15-15 के ड्राइवर, इनके बच्चे मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, डेड बॉडी घर में होती है, लेकिन ड्राइवर पहले माल खाली करता है, अपने बच्चे की डेड बॉडी नहीं देख पाता, ऐसे ऐसे ड्राइवर है, कितने सारे ड्राइवर विकलांग हाथ पैर कट गए, कितने सारे गाड़ी ओनर के साथ गलत हादसा हुआ, वो बेचारे जिनके पास 2-1 लीटर दूध आता था गाड़ी होने के पहले, और जब गाड़ी लिया तो उनके लीटर आधा लीटर दूध नहीं आ पा रहा है, किसी की गाड़ियां चल रही, किसी की महेंद्र ने गाड़ी खींच ली, बहुत सारी समस्या है मोटर वाले के लिए। ऐसा कोई गाड़ी ओनर नहीं जो बेचारा दुख से नहीं जी रहा हो, जिसके पास 100 गाड़ियां उसी के पास कार होगी। एक गाड़ी वाले से पूछो, आपकी मुद्दे बताइए। हमारा मुद्दा ये है, MMO से आओ, नो एंट्री लगी है तो उसको पीछे हटा के लगाओ, हमको तो जाने दो। 4 रुपया मांगते हैं। फैजाबाद से हो तो वहाँ 90 लगी है। अरे हटाओ पीछे, सिटी के अंदर गाड़ी नहीं जा रही, तो कम से कम बाहर से जाने दो। कानपुर रोड पुलिस वाले, इनका क्या होगा था पुलिस लेने का भाई? गलत है। 7 लाख रुपया होगा तो मैं नौकरी करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। चलिए ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ वापस ले जी, कानून वापस ले। अच्छा हाँ जी, कानून वापस ले। हाँ कानून वापस ले, और नहीं तो हड़ताल रहेगी। ये कानून अभी 3 दिन नहीं, 30 दिन हड़ताल रहेगी। कानून वापस अगर नहीं लिया अमित शाह जी, तो मोदी जी को 2024 में इसका भुगतान झेलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं ट्रांसपोर्ट नगर में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग जो है क्या कहते हैं, जो ड्राइवर हैं यहां पर चक्का जाम करके यहां पर देखते हैं, रोड पर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो कानून बनाया गया है नया कानून, इसको वापस ले। UPDP के लिए समोस्ती रिपोर्ट।